करते हैं। और कल हमने जो शरणागति का प्रिंसिपल है, गुरु तत्व के बारे में समझने का प्रयास किया, तो उसके बाद जो अगला परपोर्ट है, हाफ परपोर्ट बचा है, उसमें कुछ लुकाज हैं, कुछ टेंजिबल रेफरेंसेस हैं, वो देखेंगे। फिर आचार्यों का भी उसमें कमेंट्री में देख प्रयास करेंगे देखने का। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानति मिरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यस्तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक में हम लोग बैठे हैं। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड मोस्ट सर्टनली सर्च फॉर इट अप टू दिस इन ऑल सर्कमस्टेंसेज इन ऑल स्पेस एंड टाइम एंड बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा और हम लोग कुछ परपोर्ट हमारा एक पार्ट खत्म कर दिया था, कुछ हमारा बचा है। ठीक है, तो ये जो द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स गिव डायरेक्शंस डायरेक्टली टू दिस एंड, जो शास्त्र हैं वो इधर तक हमें ज्ञान देते हैं गुरु परंपरा के बारे में, बट बिकॉज द बिविल्डर्ड लिविंग एंटिटीज आर ब्लाइंडेड बाय द ग्लेयरिंग रिफ्लेक्शन इन डार्कनेस दे आर अनेबल टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्रों को कल हमने देखा कि शास्त्रों के जो निचोड़ है, जो फाइनल कंक्लूजन है, जो स्वयं भगवान है, वहां तक हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि हम उस चमक के पीछे भाग जाते हैं जो संसार में दिखता है, और दिखता है हमको, मतलब आप देख रहे हैं कोई नया मतलब औजार आ गया बाजार में, जैसे अभी पानी पे चलने वाला बोट आ गया, तो उसमें लोग उसको पैसा देके उसमें घूमना चाहते हैं। हालांकि पानी पे घूमना कोई बड़ा चीज नहीं है, मतलब बोट पे भी आप बैठ के जा सकते हो, लेकिन उसमें चलाने में मजा है थोड़ा। फिर आजकल नया वो आ गया है, जैसे आप वो पहन सकते हैं, नीचे वो गैस टाइप कुछ छोड़ता है तो आप ऊपर में हवा में उड़ने लगते हैं, या लोग स्काई डाइविंग करना चाहते हैं पैराशूट लगा के। तो लोग अपने लाइफ में थ्रिल चाहते हैं, थ्रिल इसलिए चाहते हैं क्योंकि थ्रिल उनका नेचर है, एक्चुअल नेचर है। लेकिन अब क्या है कि वो बैठे बैठे बोर हो जाते, पैसा डाल के माइंड में डिजायर आता है मैं भी वैसे उसकी तरह उड़ूंगा, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने का, एक ग्लेयरिंग से हमारा माइंड जो है वो उसी में जाता है। They are unable to find the truth. For example, in Bhagavad Gita, the whole direction is targeted toward the personality of Godhead, Lord Shri Krishna. But for want of bona fide spiritual master in line of Brahmaji or a direct hearer, Arjuna, there are different distortions of revealed knowledge by man unauthorized persons, many unauthorized persons who just want to satisfy their own whims. So, yahan wo wali baat aa rahi hai ki Prabhupada keh rahe hai ki seedha Krishna aur Bhagwan ki beech, matlab Arjun ki beech ki baat hai. भगवान एक व्यक्ति के रूप में भी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अज्ञानी लोग जो अपने आप को गुरु टाइप दिखाते हैं,
वो गीता का कुछ भी मतलब निकाल के भगवान और इनकी बातों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। यानी ये परंपरा में नॉलेज आ भी रहा है, ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद को दिया, नीचे 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 आ भी रहा है, लेकिन इसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, यानी इसको तोड़ देते हैं। जैसे वो हमने उस दिन उदाहरण देखा ना, कौन सा उदाहरण देखा, कि वो पांच पांडव, ये पांच इंद्रिय हैं, फिर यू नो ऐसे एलोगोरिकल चीजें बताना। उस एलोगोरिकल चीजों को बताने में क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है वो बहुत बुद्धिमान है, और वो ना अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन, कॉन्कॉक्शन को मतलब आप अपने इमेजिनेशन को कन्विक्शन में डाल देते, उसको कॉन्कॉक्शन बोलते हैं। यानी आपके मन में आ गया कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, हाँ हमारी पांच इंद्रिय है, वो पांच पांडव मतलब क्या है, ये पांच इंद्रिय ही तो है। ऐसा मतलब वो उनके बातों से भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब उनकी बातों में आप 10 मिनट बैठ जाइए तो आपको लगेगा अरे वाह वाह ये बहुत बड़ा विद्वान है, कहाँ छुपा था ये हीरा। लेकिन आगे जाके वो अपने ही लॉजिक में फंस जाएगा, अगर आगे के श्लोकों को पढ़ेगा तो उसका लॉजिक वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो वो लटक जाता है। फिर ऐसे लोग जो ना अपने आप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टोर्शन है वो भी कुछ अनऑथराइज्ड पर्सन अपने अपनी मनमानी के लिए करते हैं। हाँ कई बार वेस्टर्नर्स ने तो पहले तो ये वेद विद्या जो था ना, ये केवल गुरु परंपरा से ही पढ़ते थे, गुरुकुल में जाते थे, गुरु जी पढ़ाते थे, फिर आगे जाके वो बच्चा साक्षात्कार के रास्ते पे जाता था। अब क्या हो गया है कि कोई भी टॉम डिक हैरी आता है, चालू बोलना चालू, और आजकल प्रायः लोग डिस्टॉर्टेड ही रहते हैं। वो लोग राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति जानते नहीं, वो लोग वीडियोस पे नॉलेज दे रहे हैं यूट्यूब यूट्यूब पे और ज्यादा मिलियंस में व्यूज हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है। मगर अगर आप धर्म के बारे में बोलेंगे तो ऐसे ऐसे बकौती करने वाले लोग वहां बैठे हैं, और कोई भी फील्ड में। और एक्चुअली लोगों क्या वो ग्लेयरिंग चीज पसंद होता है, उसमें फंस जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ये पांच चीजें जो अद्भुत रहस्य हैं आपने नहीं जानी होगी, 1952 ऐसे कुछ चालू कर देंगे, आपको लगा हाँ हम लोग देखते हैं, और एक्चुअली उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल है नहीं। तो आजकल लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरा हो गया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल जो इनपुट होना चाहिए या एक सिस्टम होना चाहिए वो नहीं, इसलिए लोगों को मिलियंस मिलियंस में व्यूज हैं लेकिन उनके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चीज नहीं। इसलिए आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ते जा रही हैं, आसुरी मेंटेलिटी बढ़ते जा रही है, तो बढ़ते जाएगा। सर स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे और एक वर्ड लिखा है, हाँ अनडाउटेडली द भगवत गीता इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टार्स इन द होराइजन ऑफ स्पिरिचुअल स्काई, येट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज हैव सो ग्रॉसली बीन डिस्टॉर्टेड दैट एवरी स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता इज स्टिल इन द सेम डार्कनेस ऑफ ग्लेयरिंग मटेरियल रिफ्लेक्शंस। तो ये कह रहे हैं कि भगवत गीता क्रिस्टल क्लियर है, भगवान ने बोला, अर्जुन ने सुना, अर्जुन ने पूछा, भगवान ने जवाब दिया, कोई उसमें इफ एंड बट नहीं है। अभी का प्रॉब्लम क्या है कि हमको संस्कृत आता नहीं, तो भगवान ने क्या बोला इसमें हमको किसी और का पढ़ना पड़ता है, और का पढ़ने के बजाय वो ग्रामर में 1000 गलतियां करता है, फिर भी हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी नहीं है। जो अच्छा जो बोल रहा है उसने कुछ किया नहीं है अभी तक। यानी जैसे उदाहरण के लिए समझो कोई स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है, तो उसने स्पिरिचुअलिटी पे कुछ किया नहीं, बस वो इधर ही बैठे बैठे बोलते रहते हैं। जैसे एक मैंने कोई एक बंदा देखा था, उड़िया था, क्या नाम था, पटना है, क्या क्या नाम है उसका, उसने रामायण पे कुछ लिख दिया, तो गीता पे कुछ लिख दिया, अपने ही टीचिंग्स, मतलब अपने ही मन में आगे कुछ टीचिंग्स लिख दिए। हाँ देवदूत पटना। देवदत्त, देवदत्त पटने, वो अपना लिख दिया। अब उसका लिख दिया तो अपने मन से लिखा है, अब उसमें कई चीजें जो उसको लगी अरे ये सब नहीं हो सकता है, तो वो ऐसे बोलता है कि अरे हाँ ये सब मतलब हाँ तभी के जमाने के लोग चढ़ा बढ़ा के बोलते थे, मतलब उसको जो फेथ ही नहीं है। तो फिर क्या है कि आप अच्छे अच्छे मतलब स्टाइल में बैठ जाओ और फेमस हो जाओ, आपका बुक बिक गया, करोड़ों में पैसा कमा लिया, फिर गायब हो जाओ। आजकल सब पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, एवरीथिंग इज अबाउट मनी। ये क्रिकेट खेल रहे हैं पैसे के लिए, पॉलिटिक्स चल रहा है पैसे के लिए, हाँ कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कहते हैं उसको, बिजनेस पैसे के लिए, एजुकेशन पैसे के लिए, कुछ भी है सब, एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड मनी, उसका बाकी किसी से लेना देना नहीं। इसलिए आज की तारीख में सच्चे व्यक्ति और प्रमोटेड व्यक्ति में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। सेम वे भगवद गीता के नॉलेज में भी
लोग अपना इंटरप्रिटेशन दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये दुख का बात है। सर स्टूडेंट्स आर हार्डली एनलाइटेंड बाय भगवद गीता, इन द गीता प्रैक्टिकली द सेम इंस्ट्रक्शन इज इम्पार्टेड एज इन द फोर प्राइम वर्सेस ऑफ द भागवतम, बट ड्यू टू रॉन्ग एंड फैशनेबल इंटरप्रिटेशन बाय अनऑथराइज्ड पर्संस वन कैन नॉट रीच द अल्टीमेट कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि ऐसे भागवतम में भी यही सिचुएशन है, क्या लिखा है ये भागवतम में भी जो है वही सेम गीता में है, लेकिन फैशनेबल इंटरप्रिटेशन, कुछ लोग उसको फैशनेबल कर देते, मतलब बुक बिके इसलिए थोड़ा ये भी लिख दो। मेरा जब बुक था, अभी उसके उसका रील्स बन रहे हैं, आपको मिलेंगे, तो वो जो उसमें कोई बोला कि प्रभु हम इसको थोड़ा पॉलिश इंग्लिश कर देंगे, हम इसमें ये वाले कंटेंट हटा देंगे, हम इसमें ये कर देंगे, बोला भाई हाँ उसको ही हटा देगा तो फिर मेरा जो देना है नीचे वो जाएगा क्या? तो ये जनरल लोग एडिट करना चाहते, पॉलिश, यू नो, एक लोगों को इफेक्ट फील हो तो पैसा आए, इफेक्ट और पैसे के लिए नहीं करना है वो, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो फायदा नहीं है। प्रभुपाद देना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे, एज इट इज लिखे, उनको हजारों लोग डिसाइपल्स मिले, आप जो ही डाइल्यूट कर देंगे आपके डिसाइपल्स, आपके फॉलोअर्स, या आप जो चाहते हैं वही नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ड्यू टू रॉन्ग एंड फैशनेबल इंटरप्रिटेशंस बाय अनदर पर्सन वन कैन नॉट रीच द अल्टीमेट कंक्लूजन। इन भगवद गीता 1861 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि माययः। द लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ईश्वरः सर्वभूतानां, सबके हृदय में, भूत यानी यहाँ भूत नहीं होते, भूत यानी जीव, ईश्वर सब सभी जीवों के हृदय में है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, और हे अर्जुन हृदय में विराजमान है। ब्राह्मयन् सर्वभूतानि, और he is controlling all of them in the material world under the agency of his external energy, therefore yantra rudhani mayaya, yantra ki tarah bana ke usko control kar rahe hain, na haath uska hai, na paav uska hai, na kuch bhi uska hai, wo bas baitha hai aur game dekh raha hai, theek hai, aur ye sharir jo hai wo bas ek yantra ki tarah chal raha hai, man buddhi ahankar ke vikaron ko, bas jaise mujhe yaad hai hum log to bachpan mein ramcharitmanas tha ki ramayan tha utna yaad nahi, और बचपन हमारे पिताजी भी करते थे, आप में से शायद लोग जो नॉर्थ इंडियन है वो जानते होंगे, उसमें आपको क्या करना है, कुछ आपकी इच्छा है, समझो मुझे कुछ कुछ ये चाहिए, तो वो ऐसे एक बॉक्स ऐसा वो होता था, ऐसे 9 या 12 का कुछ वो बना रहता था, उसमें अक्षर होते थे, उसमें आप टच कर दो, उधर से हर 9वां अक्षर है कुछ गिनते थे, तो उससे एक दोहा बनता था, और उस दोहे से आपका मतलब क्या होगा उस चीज का जो अपने मन में रखा है वो पता चलता था। ठीक है, श्री तो, राम सलाका क्या बोलते हैं उसको, श्री राम सलाका प्रश्नावली, मालूम है आपको, ऐसे दोहा बन जाता था। हाँ, तो वो वैसे वो पहले ही सब अंदर में फिक्स्ड एल्गोरिथम है, आप कहीं भी टच करेंगे तो एक दोहा बन जाएगा, उसी प्रकार भगवान ने शरीर यंत्र रूपी शरीर बना के रखा हुआ है ना, और ये मन बुद्धि अहंकार इत्यादि बना के रखा है, आप बस उसको खेल रहे हैं, भगवान कुछ आप कुछ कर भी नहीं रहे, हमने बस पहला अज्ञान का इच्छा किया, बाकी मन बुद्धि अहंकार में वो अपने विकार आने लगे, विकार से ये विकार वो चलते रहेगा। फिर 1865 में भगवान कहते हैं, मन मनाभव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। हाँ, फिर यहाँ पे भगवान वापिस कह रहे हैं, मन मनाभव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा सेवा करो, मामे वैश्य सत्यम देव, हाँ, और तुम जो है हमेशा मेरे पास रहोगे, प्रति जाने प्रियोसी में, आप मेरे धाम में आ जाओगे। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा ये जो वर्णाश्रम है, ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हम बराबर भगवान के लिए कार्य करेंगे, जो व्यक्ति है हर व्यक्ति भगवान के लिए ही कार्य करेगा, ऐसा प्रॉपर डिजाइन है। अगर स्त्री है तो उसके लिए तो धर्म है, पुरुष है उसके लिए धर्म है, कोई वैश्य है उसके लिए धर्म है, जो ब्राह्मण वर्ग है उसके लिए धर्म है। इनफैक्ट अभी देखो इलेक्शन हुए, तो ये तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया, एक्चुअली जीतता कौन है, देखो इलेक्शन हुए तो 100 लोग वोट देते, मतलब हम 100% वोटिंग की बात करें, तो 100 लोगों में 100 लोग वोट देने लायक है, 60 वोट देते हैं,
तो बेसिकली 40 की डेमोक्रेसी पे ही बिलीव नहीं करते, इसलिए वो जाते नहीं। 60 जो है, इन 60 में से जिसको 30 मिलता है वो जीत जाता है, बाकी किसी को 10, 20, 5, 2, 3 ऐसा मिलता है वोट, एग्जाम्पल। तो मतलब ये बचे हुए 30 भी उस 30 को पसंद नहीं करते, और ये 40 भी उस 30 को पसंद नहीं करते, 40 और 30 70 लोग उसको पसंद नहीं करते। और उस 30 में, उस 30 में जिसको वोट मिला है उसमें भी 10 लोग उसको नहीं करते, लेकिन ऑप्शन निर्धारित करके देते हैं, 80 लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, वो जाके उनका नेतृत्व करेगा। तो ये डेमोक्रेसी का सिस्टम ही जो है, वोटिंग सिस्टम, ये शूद्रों का सिस्टम है, ये सिस्टम विद्वानों का सिस्टम नहीं है। इट इज फॉर द डल एंड द टेम। जो विद्वान और पावरफुल होते हैं वो ऊपर से ऑलरेडी राज कर रहे होते, नीचे जो ये लड़ते रहते हैं ना, ये सिर्फ उस ठेके हुए बैंकिंग सिस्टम की बूटी को चाटने के लिए जाते हैं। इनका ये विश्वास होता है कि हमारा समाज को कोई टॉर्चर कर देगा हम सत्ता में नहीं रहेंगे, तो हर एक का ये डर है और वो पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यादव हो, जो भी हो, सब उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। किसी को धर्म नहीं करना है कि हाँ मुझे धर्म करना चाहिए, धर्म के लिए कोई सीरियस नहीं, सबका वही गणित है। और वो गणित में कभी लगता है वाह ये जीत गया, वो हार गया, ये मनोरंजन है। लेकिन बेसिक पॉइंट ये है कि वर्णाश्रम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली समाज खड़ा नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी और नियम कानून लगा। तो वर्णाश्रम ये मेथड बनाया है भगवान ने ताकि हम भगवान को समझ पाए। तो यह कहा गया है, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पर धन्या आसुरं भावम आश्रितः। ये बोले सुट्टी का एक 5 मिनट बोल। तो ये कह रहे हैं कि जो दुष्कृति ना है, यानी जो मुझे नहीं मानते, जो दुष्कृति ना है ये मुझे नहीं मानते, प्रपद्यन्ते नराधमा, ये नराधम जो है ये मुझसे दूर भागते हैं, माया अपर तक ज्ञान, लेकिन मैं बहुत चालाक हूं, मैं इनको माया में डुबो के रख देता हूँ। आसुरं भावम आश्रितः माया अपर तक ज्ञान, तो माया के प्रभाव में ये लोग, इनका ज्ञान डूब जाता है। तो ऐसा है कि अभी हम लोग कुछ, हमारा एक अर्जेंट सेवा है, आज मुझे तिरुवनंतपुरम के लिए भी निकलना है और कुछ हमको ना स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं होने से 10-20 मिनट का क्लास ले लिया मैंने, आधा घंटे का अपना रहता है। तो दूर दूर से लोग आए हैं, सामान लेके आए हैं ना, बंदूक अपना, हाँ, तो इसलिए मैं आज हम लोग क्लास यहाँ एंड करेंगे और कल इस वर्ष को जो बचा वो प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो 20 मिनट के लिए क्लास हो जाएगी, आप लोग रेगुलरली सुनते हैं तो क्षमा चाहता हूँ, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। वैसे मैं लेट खत्म करता हूँ तो भी क्षमा नहीं मांगता, लेकिन जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सिंसियर हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स करने, फिर मुझे यहाँ से निकलना भी है, ट्रैवल भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कल हम लोग प्रॉपर क्लास लेंगे क्वेश्चन आंसर के, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।